दोस्तों मैं हूँ चंडीगढ़ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक सुखना लेक, जिसे चंडीगढ़ की शान भी कहा जाता है। तो देखिए इस ब्यूटीफुल लेक को और बहुत कुछ मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी और स्वागत है आपका आपके चैनल टंकी फुल में, मेरा भारत मेरी नजर से। सुखना लेक चंडीगढ़ की शान। सुखना लेक चंडीगढ़ का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है, जो रॉक गार्डन से कुछ ही दूरी पर है। क्योंकि हम भी रॉक गार्डन से बाहर आ रहे थे और प्लान कर रहे थे एलांटे मॉल जाने का, क्योंकि धूप तेज थी तो सोचा मॉल के एसी में टाइम पास करते हैं। लेकिन हमें पता लगा कि सुखना लेक तो बहुत ही नजदीक है यहाँ से, और लेक के किनारे रियल नेचुरल एसी की तो बात ही कुछ और होती है। तो क्या सोचना था, पकड़ा ऑटो और चले हम सुखना लेक की तरफ। सुखना लेक का एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत है, सब जगह हरियाली, फूल और खूबसूरत पौधे हैं। इस झील के किनारे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत कुछ मिलेगा। हमें भी भूख लगी थी तो हमने पहले कुछ खाने की सोची। ये जगह हर उम्र, चाहे बच्चा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, सिंगल हो या कपल, सबको पसंद आता है। क्योंकि यहाँ लेक की ब्यूटी और साइलेंस के साथ साथ आप बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। सुखना लेक एक मैन मेड लेक है और इसका मेन अट्रैक्शन बोटिंग है। इसके आसपास का माहौल काफी शांत और खूबसूरत है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफी सारे एडवेंचर गेम्स हैं। अपने रोजमर्रा की बिजी लाइफ से कुछ देर शांत माहौल में बिताने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ की मेन एक्टिविटी है बोटिंग। आप यहाँ पैडल बोट, मोटर बोट और कश्मीर की तरह शिकारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो यहाँ प्लेइंग एक्टिविटी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ एक्टिविटी तो बड़े भी बच्चे बनकर कर सकते हैं। यहाँ भी आपको स्केच आर्टिस्ट मिलेंगे। स्केच आर्टिस्ट याद है ना आपको, रॉक गार्डन के। अगर आपने अभी तक रॉक गार्डन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। यहाँ स्केच के साथ साथ आपको फोटोग्राफर भी मिलेंगे। इनसे आप यहाँ की यादगार मेमोरीज कैद करके ले जा सकते हैं। यहाँ आप अगर थक गए हैं तो यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे कुछ सरप्राइजेस। यहाँ अगर आप इवनिंग में 4 बजे या उसके बाद आएंगे तो आप यहाँ ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ इस झील के किनारे की वॉक तो हमेशा याद रहेगी। इस लेक के किनारे बैठना एक सुकून सा देता है। सुखना लेक के बाद अब मैं चल रही हूँ यहाँ के सबसे बड़े मॉल एलांटे मॉल की तरफ। आप जब भी चंडीगढ़ आए तो सुखना लेक को घूमना बिल्कुल ना भूले। स्पेशली शाम का जो टाइम है वो यहाँ का बेस्ट टाइम है घूमने के लिए। लेक के किनारे 1 से 1.5 घंटा शांत माहौल में बैठना आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सुखना लेक की बहुत ही सुंदर यादों को लेकर चली मैं चंडीगढ़ की अपनी अगली मंजिल की ओर, एलांटे मॉल। आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया है? अगर नहीं किया तो प्लीज इसे भी फॉलो करें। ढलते हुए सूरज के साथ हम पहुंचे एलांटे मॉल।
एलांटे मॉल चंडीगढ़ का सबसे फेमस मॉल है। यह इतना फेमस है कि हर चंडीगढ़ आने वाला व्यक्ति यहाँ जरूर पहुँचता है। ये मॉल और मॉल्स की तरह ही है, लेकिन हाँ, और मॉल से कुछ अलग तो था इसमें। इस मॉल में ऐसा कुछ तो नहीं था जो अलग से दिखाया जाए, लेकिन फिर भी इसकी कुछ क्विक फुटेज आपके लिए। रात की लाइटिंग में ये मॉल और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इस मॉल में ऐसा कुछ अलग तो नहीं है, मगर हाँ, यहाँ आप आ सकते हैं, ये भी एक अच्छा टाइम पास है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। चंडीगढ़ में अभी देखने के लिए बहुत कुछ है, तो बने रहिएगा टंकी फुल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।